तो गेम को आए काफ़ी समय हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन सिम इंडिया की। तो इस गेम को आप लोगों ने खेला होगा, कुछ लोगों ने नहीं खेला होगा, क्योंकि तो जिन लोगों ने खेला है वो लोग ही जानते हैं गेम को कैसा गेम है अंदर से, और जिन लोगों ने नहीं खेला वो अभी बस तरस कर रह जा रहे हैं, क्योंकि ये गेम अभी 4 GB रैम वाले फ़ोन में ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। गेम के ग्राफिक ऐसे है ना कि लोडिंग स्क्रीन में आते आते ये गेम क्रैश हो रहा है मेरे फ़ोन में। जिनके पास ये पुराना फ़ोन है 4 GB रैम वाला, उनके में गेम क्रैश करवा रहे हैं। ये मेरी साइड पर इतने हाई क्वालिटी वाले हैं कि क्या बताएं, पुराने फ़ोन तो एकदम मर जा रहे हैं ग्राफिक लोड करने में, और जिनके पास 4 GB नया वाला फ़ोन है उनके में बंद वर्क कर जा रही है। अबाउट दिस गेम में बात करें यहाँ पर, वेदर यू वॉन्ट इलेक्ट्रिक और डीजल, ट्रेन सिम इंडिया हैज़ समथिंग फॉर यू। यहाँ पर ऐसा कुछ गेम का ओवरव्यू है। बाकी व्हाट्स न्यू अपडेट की बात करें तो अपना फ्रंट कैमरा एंगल ऐड हुआ है, और इस हर लोकोमोटिव को अपनी स्पीड दी गई है जो कि रियल लाइफ में होती है। सम इशू वर फिक्स, लेकिन मेरा इशू तो हुई फिक्स हुआ ही नहीं है। मेरा गेम तो लोडिंग स्क्रीन में ही क्रैश होने लगता है, इसलिए मैं इस गेम को ज़्यादा प्ले नहीं करता। और यहाँ पर गेम का रेटिंग देख लो आप लोगों की, मैंने रेटिंग नहीं किया है, 3.7 की रेटिंग है। ये गेम आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास हाई एंड मोबाइल है तो। 8 GB रैम, 4 GB रैम में तो नहीं चलेगा, 8 GB वालों के लिए बहुत मस्त है। प्लीज़ अपडेट द गेम वर्जन 1.5. यहाँ पर डेवलपर की तरफ से एक मैसेज आया था, रिप्ले कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर तो रिव्यू अगर तुम जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छा रिव्यू और बैड रिव्यू भी मिलते हैं डेवलपर को देखने के लिए, क्योंकि जिन लोगों के पास लो एंड फ़ोन है वो लोग इस गेम को नहीं खेल पा रहे हैं मेरी तरह। कोई नहीं, आप लोग इस गेम को ट्राई जरूर कर सकते हो, ये उनका गेम है इंडियन लोगो पायलट हैवी बस। ये वाला गेम भी अच्छे तरीके से वर्क कर लेता है, मैं इसका पूरा गेम प्ले कर चुका हूँ अपने चैनल पर, लगभग 45 मिनट्स का गेम प्ले किया था। काफ़ी हार्ड प्ले करने का, एकदम हार्ड था बहुत ये गेम का एक्टिविटी करना इसमें। ये गेम तो मेरे में रन करने वाला है नहीं, ये वाला अपना, इसको मेरे को ब्लू स्टैक में खेलना पड़ेगा, अपने लैपटॉप में इन्वर्टर में ऐड करके खेलना पड़ेगा। इसका साइज़ भी देखो 335 MB का है, और डाउनलोड इसके 1 lakh+ हो चुके हैं, 3+ की रेटिंग हो रखी है। रेटिंग बढ़ जाएगी इसकी अगर डेवलपर्स गेम में काम करेंगे तो, क्योंकि ज़्यादातर अपने जो ट्रेन फैन जो अपने गेम खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके पास ज़्यादा हाई ग्राफिक डिवाइस नहीं है,